बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, नाजरीन, ईद उल दुहा के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको हम कुर्बानी की ईद के नाम से पहचानते हैं। यूई के अंदर 4 छुट्टियाँ लॉन्च हो चुकी हैं, जो कि जमेरात 30 जुलाई से ले कर 2 अगस्त तक हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर शामिल हैं, और इस ईद पे कुछ हफाजती तदाबीर गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। इससे पहले कि जिन हजरात ने, जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और इसको शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो बात शुरू करने से पहले एक हदीस, जो कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करने वाले शख्स जो कुर्बानी करता है, और जिस जानवर की कुर्बानी करता है, उस जानवर के जिस्म पे जितने भी बाल होते हैं, उस हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलती है उस शख्स को जो कुर्बानी करता है। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ये फरीज़ा अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, नाजरीन, यूएई के अंदर जो इस ईद की छुट्टियों के दौरान जो नमाज की टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग को नमाज के लिए 10 मिनट तक महदूद किया गया है, यानी कि 10 मिनट के अंदर नमाज होगी, और जो मगरब की नमाज है वो 5 मिनट तक महदूद है, ये 3 अगस्त तक। और 3 अगस्त के बाद एक बहुत खुशाइन बात ये है कि जैसे पहले से 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था कि 30% सलाहियत के साथ मस्जिदें ओपन हैं, और 3 अगस्त के बाद अभी अनाउंसमेंट किया है कि 50% सलाहियत के साथ मस्जिदें काम कर सकती हैं। तो अभी नमाजियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहले 30% था, और अभी 50% सलाहियत के साथ मस्जिदें काम करेंगी 3 अगस्त के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं, उनके लिए बताया गया है कि वो स्मार्ट एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मकामी सतह पे गवर्नमेंट ने अदारे कायम किए हैं, जिनके पास ये अख्तियार है, उनके साथ भी आप लोग रابطہ कर सकते हैं कुर्बानी देने के लिए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि जो भी शख्स कुर्बानी देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन तरीक़ेकार बता दिया कि कैसे आपने कुर्बानी देनी है। और इसके अलावा ईद के ऊपर जो तोहफे ताइफ आप देते हैं बच्चों को, ख़ानदान में जो तोहफे ताइफ देते हैं, उसके लिए बताया गया है कि वो देने से ग्रेज़ करें, और अगर आप बच्चों को ईदी देना चाहते हैं तो ऑनलाइन सर्विस का सहारा लें। और इसके अलावा जो ईद के ऊपर ख़ानदानी अजतमा होते हैं, उनसे भी ग्रेज़ करने का हुक्म दिया गया है, और नमाज ईद घर पर अदा करने का मशवरा दिया गया है। तो ये कुछ चंद ख़ास एहतियाती तदाबीर थी, जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी, और मैं उन तमाम नाज़रीन दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने गाइडलाइन टीवी को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं,
और उन सब को एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से, गाइडलाइन टीवी की तरफ से। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।